MS, my question for you is that before you started playing cricket and you were still an aspiring cricketer and you wanted to get into Team India, where did you see yourself while you were retiring or while you were done playing cricket? Have you already achieved or was something different? Sorry. You'll have to repeat the last part. Okay, so I was saying... Sawal, seedha sawal puchho na, aage ka hatao. Seedha sawal jo hai, sawal puchho. Sir, seedha sawal ye hai ki, have you achieved what you wanted to achieve from cricket? You know, jab maine cricket khelna start kiya tha, to first of all, maine kabhi nahi socha tha main India ke liye khelunga. आई थिंक इंडिया ए का जो मैं टूर मैंने कंप्लीट किया, मैंने परफॉर्म अच्छा किया था, उस समय मुझे पता चला कि मैं इंडिया के लिए अब खेलने वाला हूँ, चाहे आज खेलूँ, छः महीने बाद खेलूँ या तीन महीने बाद खेलूँ. तो मैंने कभी ये सोच के नहीं किया खेला था कि मुझे ये अचीव करना है. यू नो, ये मेरा पर्सनल माइलस्टोन होना चाहिए. स्कूल से ही जब हम क्रिकेट खेलते थे या जब हम पार्क में क्रिकेट खेलते थे, हमारा एक ही मोटिव होता था, हमें मैच जीतना है. यू नो, जितने भी दूसरी अच्छी टीमें होती हैं उनके अगेंस्ट हमें मैच जीतना है. सो दैट इज़ द पर्पस. यू नो, माइलस्टोन से अगर आप अपना फ्यूचर डिसाइड करें तो मुश्किल हो जाएगा. यू नो, माइकल फेल्प्स के नाम बहुत सारे ओलंपिक गोल्ड है, वो तो फिर 5 के बाद ही उनको रिटायर हो जाना चाहिए था. यू नो, सो इट्स नॉट अबाउट माइलस्टोन. व्हाट इट्स अबाउट इज़ यू नो हाउ मच यू कैन कंट्रीब्यूट, हाउ गुड यू आर, एंड देन यू टेक इट फॉरवर्ड.